जब मैं कुंडली विश्लेषण करता हूँ, मुझे लगता है केपी पद्धति से और जो लोग भी कुंडली का एनालिसिस करते होंगे, तो जो सेकंड हाउस अभी हम पढ़ने वाले हैं धन का है, तो बहुत से लोगों को कुछ जेन्युइन ऐसे सामान्य जो प्रश्न है जातक के तरफ से वो आते हैं, जैसे शुक्र धन का कारक है, जुपिटर धन का कारक है, तो शुक्र नीच राशि में बैठ गया या छठे भाव में बैठ गया तो धन की स्थिति कैसी रहेगी, समझ रहे हैं? क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन का जमाना है, इस समय बहुत सारे चैनल्स पे हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम, उस पर अलग अलग चीज़ें रील्स आ रही हैं, तो इसको लेके लोगों के पास जानकारी इकट्ठा हो रहा है और लोग स्वयं की अपनी पोस्टमार्टम थ्योरी अप्लाई करते हैं। अब जैसे किसी ने को धन की समस्या है और उसने कहीं पे देख लिया कि यदि आपका शुक्र छठे में है तो धन की परेशानी होगी, बस अब वो आदमी उसके दिमाग में बैठ गया। अब कौन राशि है, लग्न है, शुक्र नक्षत्र में किसके है, कौन सी दशा अंतरदशा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं। या मान लो कहीं किसी रील में देख लिया कि शुक्र केतु के साथ है तो धन की समस्या, शुक्र नीच राशि में धन की समस्या, मतलब कहने का तात्पर्य है कि धन एक ऐसा, ये सेकंड हाउस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट है कि इसमें जातक को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं और लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि धन से रिलेटेड। तो बेसिकली जो मेरा अप्रोच है, कैसे मैं करता हूँ और क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि आप भी सीख रहे हैं तो कुंडली प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। शुक्र धन का कारक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने क्लास शुरू होने से पहले सभी नौ ग्रहों के बारे में पढ़ा था, कारकों को पढ़ा था। जुपिटर भी धन का कारक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। राहु धन के साथ साथ आपको जो अचानक से होने वाली सफलता है वो सब भी देता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिर्फ कारक के बेस पे किसी भी रिजल्ट को जज कर लेना, ये डाउटफुल है, समझ रहे हैं? ये पॉइंट जो है ये डाउटफुल है। शुक्र आपका छठे में है, नीच राशि में है, केतु में है, तो ये फाइनल कंक्लूजन नहीं होगा आपके धन के बारे में, ठीक, कारक के बेस पे जज नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए ये चीज़ पहले आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए, आपकी समझ क्लियर होनी चाहिए कि आप किसी को समझा सकें या फिर आप स्वयं की कुंडली पे समझ सके, देख सके। कारक है तो ठीक है, उसका इम्पैक्ट होगा। जैसे मान लो सूर्य कारक है, सूर्य यदि छठे आठवें बारहवें बीमारी वाले भाव का रिजल्ट दे रहा है तो नॉर्मली ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी कि जातक को आंखों का, हड्डियों का, मतलब जो सूर्य से रिलेटेड समस्याएं हैं, हार्ट का, वो इश्यूज हो सकती हैं। लेकिन ये फाइनल कंक्लूजन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसके लिए उस जातक के फर्स्ट हाउस, पहला भाव उसका जो लग्न है, उसका हमें अध्ययन करना होगा, छठा भाव उसका अध्ययन करना पड़ेगा। नहीं, ये दोनों जब बीमारी दे रहे होंगे तो ही बीमारी की पॉसिबिलिटी होगी। अब ऐसा नहीं कि आपने देख लिया सूर्य छठे में है तो बीमारी हो जाएगी, सूर्य आठवें में है तो ऑपरेशन हो जाएगा, तो ये सिर्फ अभी हाफ नॉलेज है, तो इससे किसी भी जगह पर आप निर्णय पे नहीं पहुंच सकते। तो धन वाले मैटर में खासकर ये चीज़ें आती हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा सिर्फ कारक के बेस पे आप किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, मतलब कारकों को भी देखें, साथ ही साथ भाव कृष्णमूर्ति पद्धति में भाव महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, तो भाव का एनालिसिस महत्वपूर्ण है। कई लोगों को शुक्र धन का कारक है, शुक्र की ही दशा चल रही है फिर भी धन की समस्या है। हम अब ऐसा तो नहीं कह सकते, अब जैसे कन्या लग्न का कोई जातक है, यानी आपके फर्स्ट हाउस में 6 नंबर राशि है, सेकंड में 7 नंबर होगा, और आपकी शुक्र की दशा चल रही है, तो आपको तो धनेश की ही दशा हो गई ना, दूसरे भाव के स्वामी की, फिर भी जातक को धन नहीं आ रहे। किसी का मेष लग्न का जातक है, उसके भी दूसरे भाव में 2 नंबर राशि आएगी, शुक्र का हो गया, तो धनेश की दशा है। तो मतलब मेरा सिंपल सा कहना यह है कि किसी एक पॉइंट धनेश की दशा या अष्टमेश की दशा या द्वादशेश की दशा, तो इस पॉइंट को लेके ओवर जजमेंटल नहीं होना और अपना एक परसेप्शन नहीं बना लेना। एक फाइनल आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा उस जातक की कुंडली के बेस पे, कि भले धनेश यानी दूसरे भाव के स्वामी की ही दशा चल रही है, वो रिजल्ट क्या दे रहा है। फाइनल फाइनल से मतलब पूरा थ्रोली भाव का अध्ययन, नक्षत्र रूप नक्षत्र का अध्ययन, फिर आप किसी डिसीजन पे पहुंचे। वैसे ही कोई भी कारक वाले जो ग्रह है धन का, जैसे शुक्र हो गया या जुपिटर हो गया, ये अपने नीच राशि में 6, 8, 12 भाव में है, तो सिर्फ इस एक बेस पे हम नहीं कह सकते कि नहीं धन की स्थिति खराब ही हो जाएगी।
या शुक्र उच्च राशि में चला गया तो धन की स्थिति अच्छी ही हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनकी उनकी कुंडली में शनि धन देता है, किसी को केतु धन देता है, किसी को सूर्य धन देता है, किसी को चंद्रमा धन देता है। सभी ग्रह कुंडली में रिजल्ट देते हैं, हर एक आदमी की कुंडली में डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देते हैं, क्योंकि मेरी कुंडली आपकी कुंडली हर एक आदमी की जो कुंडली है वो यूनिक है, क्योंकि हर एक आदमी यूनिक है। सबकी अपनी जो आइडेंटिटी से लेके उसकी डेस्टिनी तक सब यूनिक है। तो जब वो यूनिक है तो आप एक सामान्य पैटर्न से सबको एक जैसे तरीके से नहीं हैंडल कर सकते, तो इसलिए प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। कोई भी ग्रह जो राशि में पार्टिकुलर, जैसे आप शनि को देखते हैं, शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, वो जब आप ट्रांजिट पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। जुपिटर 1 साल रहता है, अभी जैसे जुपिटर 2 नंबर राशि में है, तो पूरे 1 साल में जितने लोगों का जन्म होगा जुपिटर सबकी 2 नंबर राशि में ही रहेगा, ठीक है। तब इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि सबको एक जैसा ही रिजल्ट मिलेगा। पूरे दिन में 12 लग्न होते हैं, तो उस हिसाब से लोगों के नेचर से लेके सारी चीजों में अंतर आएंगे। नहीं, फिर हर एक लग्न में 2 पूरा नक्षत्र और एक का थोड़ा सा हिस्सा आता है, यानी लगभग 3 नक्षत्रों के पार्ट आते हैं, उसके आधार पे भी प्रिडिक्शन बदलता है। तो धन वाला भाव अधिकतम लोगों की जो प्रश्न होते हैं कुंडली विश्लेषण में, तो धन से संबंधित ही 90% प्रश्न होते हैं। 90% उनके क्वेश्चन धन से रिलेटेड ही होता है। वो किसी भी मैटर में, चाहे वो नौकरी के माध्यम से आना हो, बिजनेस के माध्यम से आना हो, कहीं पैसा फंस गया वहां से आना हो, मतलब कहीं ना कहीं या प्रोग्रेस करनी है, वो तो उसका केंद्र बिंदु धन होता है। और धन का पहला और प्रमुख भाव दूसरा भाव होता है, तो इसलिए दूसरे भाव का अध्ययन आपको करना पड़ेगा किसी भी जातक के धन की स्थिति को जानने के लिए। कृष्णमूर्ति पद्धति में भाव का अध्ययन करने से मतलब है उसके सब लॉर्ड का अध्ययन करना, यानी जो सब लॉर्ड है उसका। अब मान लीजिए जो प्रेजेंट अभी आप चार्ट देख रहे हैं, इस समय ये सेकंड कस्टल सब लॉर्ड बना हुआ है मून चंद्रमा। अब ये चंद्रमा बताएगा कि पार्टिकुलर इस जातक के लिए धन की स्थिति कैसी रहेगी। दूसरे भाव से जब धन की बात कही जाती है तो इस धन में आपका बैंक बैलेंस से लेके ज्वेलरी, घर, ओवरऑल जो भी आपकी प्रॉपर्टी, यानी जो वेल्थ हम जिसको बोलते हैं, वो सब इसमें आता है पूरा। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ नगद पैसा ही, मतलब पैसे का ही, आपको मान ले 50 लाख रुपए आपने एक फ्लैट खरीद लिया, तो वो भी धन का ही सेकंड हाउस का ही एक पार्ट है, सेकंड हाउस का ही भाग है। आपने कहीं 10 बीघा जमीन खरीद ली, फार्म हाउस खरीद लिया, 1 किलो सोना की ज्वेलरी आपके पास है, तो वो सब सेकंड हाउस ही है। क्योंकि जब सेकंड हाउस से संबंधित जब नुकसान चालू होता है, तो यही सब चीजें जो आप बनाए रहते हैं धीरे धीरे वो बिकना चालू हो जाता है, यानी उसी को ना फिर लिक्विडेट करते हैं पैसा बना के, फिर जो करना होता है वो होता है। तो वो सारी चीजें सेकंड हाउस के अंतर्गत ही आएंगी। अब सेकंड कस्पल सब लॉर्ड है आपका मून। अब यहाँ पे देखिए कि मून रिजल्ट क्या दे रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं तो मून जो रिजल्ट दे रहा है वो दे रहा है 10th हाउस का। मून स्वयं के नक्षत्र में 10th भाव है और मून का जो सब लॉर्ड है वो है केतु, वो इन हाउसेस के रिजल्ट दे रहा है। अब बात आती है कि धन के लिए कौन से भाव पॉजिटिव होंगे, कौन से भाव निगेटिव होंगे, कौन से भाव न्यूट्रल होंगे। कृष्णमूर्ति पद्धति में किसी भी घटनाक्रम के लिए निगेटिव हाउस जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको हटा देंगे तो जो न्यूट्रल भी है वो भी सपोर्टिव हो जाता है। समझ रहे हैं? न्यूट्रल जो है वो कोई आपको नुकसान नहीं करेगा तो क्या समस्या, ठीक है। तो सिर्फ निगेटिव आपके दिमाग में पूरी तरह से होना चाहिए कि किसी भी घटनाक्रम के लिए कौन से हाउस निगेटिव होते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान रहेगा। तो धन वाला भाव यानी जो दूसरा होता है, उस दूसरे से 12वां पहला हाउस हो जाएगा। तो धन के मैटर के लिए पहला भाव निगेटिव होता है। पहला भाव 5वां और 9वां, 1, 5 और 9, ये धर्म त्रिकोण के भाव कहे जाते हैं, धर्म त्रिकोण के, ये धन के लिए निगेटिव माने जाते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब एक तरह से नॉर्मली कह लिए, नॉर्मल से मतलब 10 में 5-6 आदमी ऐसे मिलते हैं जिनका ये प्रश्न होता है कि हम बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, कोई कोई अस्त्रोत भी लोग बताते हैं, कोई गणेश
गजेंद्र मोक्ष की बात करता है, कोई सूर्य का आदि तेजो स्त्रोत की बात करता है, कोई अलग अलग कि हम इतने ये मंत्र का जाप करते हैं, ये स्त्रोत का जाप करते हैं, 1 घंटे पूजा करते हैं, 1.5 घंटे पूजा करते हैं, लेकिन धन नहीं आ रहा, प्रोग्रेस नहीं हो रहा। आज का भी मैंने एक कंसल्टेशन आज दिया, उनका भी यही सेम क्वेश्चन है कि मैं बहुत सारे पूजा पाठ जो मंत्र है और स्त्रोत वगैरह इसको करते हैं लेकिन नहीं आ रहा। तो अब कुछ चीज़ें इसको समझना होगा। मैंने पीछे भी कई अपने वीडियोस में बताई हैं, कोर्सेज में, यहाँ भी आपको बता रहा हूँ कि जो पूजा पाठ है जो आप कर रहे होते हैं बेसिकली, तो वो मोटिव आपको जानना होगा, और मतलब किस लिए आप कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, तो क्या वो चीज़ देने में सक्षम है? आपने जो रास्ता पकड़ा है क्या वो आपके मंजिल तक जाती है? सिर्फ चले जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या मंजिल तक जाती है या नहीं। इसी से छोटा सा जुड़ा एक टॉपिक एक समझ लीजिए, जहाँ मैं रहता हूँ इसी शहर में एक बाबा आए थे राम कथा करने के लिए, 10-12 दिन का उनका प्रोग्राम था। तो एक आदमी के यहाँ वो ठहरे हुए थे, उनको अपने घर में ठहराने के लिए भी 3-4 लोगों की होड़ लगी हुई थी कि मेरे यहाँ ठहरे। कारण क्या था? ये बाबा जी राम नाम का जप बहुत करते हैं, मतलब हमेशा वो करते ही रहते हैं। तो लोगों के मन में था कि हमारे घर रह के जब करेंगे तो घर गाड़ी बंगला सब, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, तो कोई विधायक बन जाएगा, तो बेटा IAS IPS बन जाएगा, मतलब सबकी जो सोच थी ना वो एक तरह से भौतिक सुख की लालसा थी कि मतलब बाबा जी मेरे यहाँ रह के पूजा अपना मंत्र जाप ये सब करते रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो उससे मुझे भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। समझ रहे हैं? अब ये कहीं कहीं जब इसी शहर में हूँ तो चीज़ें पता चल रही थी, क्योंकि उनके आने से पहले से 1-1.5 महीने पहले से तैयारी हो रही थी। लेकिन उसी में क्या हुआ कि अब जिसका थोड़ा सा भाग्य बाबा का सानिध्य लिखा था, तो एक आदमी मिल गए उनके ही घर में, मतलब बाबा जी ने रहना पसंद किया, तो उनके यहाँ ही वो 10 दिन रहे। भविष्य के गर्व में कुछ चीज़ें हैं, गर्व में क्या है कि उनको विधायक का इलेक्शन लड़ना है। अब लोगों का ये परसेप्शन है कि बाबा जी उनके यहाँ रहे हैं तो उनको विधायक का टिकट मिल जाएगा, एक बड़ी पार्टी से वो विधायक बन जाएंगे। उनके 2 बेटे अभी कुछ प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो वो सफलता प्राप्त कर लेंगे, प्रॉपर्टी कुछ बिक गई है वो आ जाएगी। इस प्रकार से मतलब लोगों के मुंह से ही ये चीज़ें सुनी गई हैं कि ये चीज़ें होंगी, आगे अब समय है वो बताएगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है, मेरी जो समझ है कि जो ये पूजा पाठ ये मंत्र होते हैं, धर्म त्रिकोण के हाउसेस को स्ट्रेंथ देते हैं, 1, 5 और 9 भाव को। 1, 5 और 9 भाव क्या है? आपका स्वास्थ्य हो गया, आपकी धार्मिक आध्यात्मिक जो उन्नति होती है, यानी जो आपकी इनर लाइफ की, इनर सेंस की, आंतरिक जो आपकी संरचना है उसकी जो वृद्धि होती है, उसमें जो सुधार होता है, एक विकास होता है वो होगा। 5. भाव संतान का है, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। नहीं, हमने हमारे धर्म के राजा दिलीप के बारे में आपने सुना होगा, उनको संतान नहीं था, तो उन्होंने गाय की सेवा की थी, और गाय की सेवा के पश्चात उनके आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे बहुत से और भी उदाहरण है, घटनाक्रम है। गाय को हम सनातन संस्कृति में माता का दर्जा देते हैं, सभी देवताओं का वास माना जाता है। तो ये चीजें कुछ हैं जो मतलब वो भी चीज़ें, ऐसा पॉसिबल है कि आपकी संतान सुख यदि नहीं है तो वो भी हो जाए, या जिनको संतान है और उसके कारण कोई ना कोई समस्या है उसमें भी सुधार हो सकती है। 9th हाउस जो आपके धर्म का है, आपके पितरों का है, पूर्वजों का है, तो इसमें आपको लाभ मिले, इसमें आपका ग्रोथ मिले, तो ये चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन आप ये सोचें कि इसके द्वारा धर्म त्रिकोण, ये धन त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण जिसको बोलते हैं, 2, 6, 10, तो ये अर्थ में लाभ हो, ठीक है, तो अर्थ में लाभ बड़ा मुश्किल है। अर्थ के लाभ के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और आज के समय में प्लान एंड एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी प्लानिंग, एक्शन, और आज के समय के हिसाब से प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, स्किल, ये चीज़ें, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये होनी चाहिए। ये नहीं रहेगा तो फिर बहुत ही मुश्किल है फाइनेंशियली आपको आगे बढ़ना, ग्रो करना, क्योंकि
अभी मैं ये भी आपसे नहीं कहूंगा कि जो मैं ये बता रहा हूँ ये 100% सत्य है, किसी भी पीछे भी बैच में नहीं कहा, आगे भी ये मैं 100% वाली बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतना तो जरूर है स्वयं कहीं एक्सपीरियंस अनुभव से कि पूजा पाठ का फाइनेंस से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब ये नहीं है कि आप ये करेंगे तो धन आएगा, ऐसा अब तक के अनुभव में नहीं, आगे कुछ होगा फिर देखेंगे, अगले बैच में वो अनुभव शेयर किया जाएगा, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी जो प्रैक्टिकल अनुभव है ना वो स्वयं से ही देखता हूँ, स्वयं पे ही समझता हूँ। ज्योतिष में भी आना मेरा अपने ही परिस्थितियों के कारण रहा, और वो परिस्थितियां ऐसी ही रहीं, जब चीजें नहीं चल रही थी, एक समय ऐसा था मुझे भी लगता था कि नहीं ज्यादा पूजा पाठ और बहुत सारी चीजें करता, या फिर इस बात को समझिए कि हम इस अगेंस्ट नहीं है, पूजा पाठ धार्मिक उन्नति के लिए, इस समझिए। चार मैं ये चीजें चार पांच मैं ज्योतिर्लिंग घूम चुका हूँ, माता के जहां मैं वास्तु करने जाता हूँ वहां के जो भी मंदिर होते हैं मैं वहां दर्शन करता हूँ, वो अलग मैटर है, वो मन की संतुष्टि के लिए, शांति के लिए होता है, लेकिन ये चीज नहीं होती है कि हम इस माता के या इस ज्योतिर्लिंग में, हम बनारस गए हुए हैं थे बाबा हम आपका दर्शन कर रहे हैं हमारे पास मर्सिडीज आ जाए, समझ रहे हैं? ये चीज वैद्यनाथ धाम हम झारखंड में जो देवघर में है बाबा हम आपका दर्शन करने आए 1 करोड़ रुपए मिल जाए, ये चीजें वो नहीं होती है, वो अब दिमाग से निकल चुका है, वो नहीं है, वो एक सुकून, एक चीजों को समझ, मतलब एक तरह से समझिए कि किसी भी मंदिर में जाना वो आत्मिक संतुष्टि का एक भाग होता है, ना कि भौतिक सुख का एक भाग, जो कि पहले भौतिक सुख का भाग होता था मेरे लिए, कि मतलब भौतिक चीजें प्राप्त हो। तो इसलिए ये चीज, जैसे जब आप स्वयं के साथ आपके हो या आप किसी को कंसल्टेशन दे रहे हो, तो उस स्थिति में जब ये चीजें आएंगी तो वो आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए कि आपकी ये पूजा पाठ मंत्र जप ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ना कि ये भौतिक उन्नति का, इसको भौतिक उन्नति का साधन मत बनाइए, उससे नहीं होगा, और ये आपकी दुख का कारण बनेगा, मतलब आप दुखी रह रहे हैं कि इतना करने के बाद भी मेरे पास नहीं आ रहा, ये एक समस्या होगी। और बाय डिफॉल्ट यदि आपकी दशा अंतर दशा में यदि 1, 5, 9 भाव एक्टिवेटेड हैं तो फिर आपको और समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा आपका धार्मिक होना आध्यात्मिक होना 1, 5, 9 को उसके रिजल्ट को एक्टिवेट करेगा, और धन वाले जो भाव हैं 2, 6, 10 उनको नुकसान देगा, उनसे संबंधित समस्या आएगी। जैसे जो पिछला पहला भाव का आपने पढ़ा था, मैंने उसमें आपको क्या बताया कि यदि जिसके फर्स्ट हाउस में 1, 5, 9 भाव हो तो ऐसे आदमी को हम बिजनेस के राय नहीं देते हैं, एडवाइस नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऐसे लोग मनी माइंडेड होते ही नहीं है, और जब आप मनी माइंडेड नहीं रहेंगे तो फिर आप बिजनेस का ग्रोथ कैसे कर पाएंगे? आप ही सोचिए, जो जातक मनी माइंडेड होता है वही ना सोचेगा, अलग अलग प्रकार से ऑफर निकालेगा, ये सोचेगा जब मान लो उसका सेल थोड़ा डाउन हो गया तो चलो 2 पर 1 फ्री कर देते हैं, इस प्रकार के उसने सोचा कि भले प्रॉफिट थोड़ा कम हो सेल बढ़ जाएगी बाद में हम बढ़ा लेंगे, तो जो मनी माइंडेड है ही नहीं वो इस चीज़ को नहीं कर पाएगा। आपका कोई पैसा फंसा लेगा आपको, अपनी समस्या आगे बोलेगा, आप उल्टा और कुछ दे देंगे, फिर क्या मिला? तो फाइनेंस वाइज तो आप लूजर हो जा रहे हैं ना, ये फेलियर्स का कारण। तो यही चीज है, 159 होना पहले भाव में आपकी मेंटलिटी से मनी माइंडेड नहीं बनाता, ठीक है। वहीं जब हम दूसरे भाव का अध्ययन कर रहे हैं यानी धन वाले भाव का, तो यहाँ पे वो धर्म त्रिकोण के भाव 1, 5, 9 क्या करते हैं? धन हानि कराते हैं, धन का नुकसान कराते हैं, क्योंकि धन का जो त्रिकोण यानी अर्थ त्रिकोण है 2, 6, 10, तो दूसरे का 12वां पहला, छठे का 12वां पांचवा, और 10वें का 12वां 9वां हुआ, ठीक है, तो वो धन का नुकसान कराएगा। इसके साथ साथ 8 और 12 ये दोनों भाव भी धन के लिए कुछ हद तक निगेटिव रिजल्ट देते हैं, कुछ हद तक। मैंने क्यों कहा? अष्टम भाव में दोनों गुण होता है, वो अचानक से धन भी देता है, अचानक से धन का नुकसान भी कराता है। आठवां भाव आपके लिए अच्छा कब हो सकता है? अधिकतम अच्छा रिजल्ट जब 8 के साथ 11 नंबर हो, लेकिन 8 के साथ जब 12 नंबर होता है तो अचानक से धन हानि की संभावना को प्रबल कर देता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से नुकसान हो जाएगा।
तो अब हम इसको नेगेटिव हाउसेस को फिर से हम एक साथ आपको कंक्लूड करके बताएं, तो 1, 5, 8, 9 और 12 ये धन के लिए यानी सेकंड हाउस के मैटर के रेस्पेक्ट में निगेटिव रिजल्ट देते हैं। क्लियर हो गया? धन का नुकसान कराएगा, आया हुआ पैसा आपके पास से किसी न किसी कारणवश निकल जाएगा, कोई ना कोई आपके मन में आएगा कि हम यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, इस बिजनेस में लगा देते हैं, पैसा आपका चला जाएगा। कोई ये बोलेगा आप 10 लाख रुपए रखे हो मान लो, कोई ये बोलेगा अरे आपके पास पैसा है दे दीजिए, हम हर एक महीने आपको 3% 4% ब्याज देंगे, और आपके दिमाग में लालच आ गया, पैसा रखा हुआ है हर महीने 30 से 40 हज़ार रुपया दे देगा, आप दे दिए 3 4 5 महीने आप ही के पैसा से 30 30 40 40 हज़ार दे के देता रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। यानी आपसे 10 लाख रुपया लिया, 5 महीने में आपको 2 लाख रिटर्न किया, बाकी 8 लाख लेके गायब, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसी समय अब किसी के मन में हो कर्मा डिस्ट्रक्शन थ्योरी के हिसाब से कि हम इसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, इसका लाभ उठा लें, 1, 5, 9 भाव है तो जा तक तुम टीचिंग का काम कर लो, शिक्षक का काम कर लो, इससे क्या होगा कि धन आने लगेगा। कोई भी भाव जो रिजल्ट कुंडली में देने के लिए होता है उसके रिजल्ट को खत्म नहीं किया जा सकता, इस बात का ध्यान रखिए। कुछ हद तक आप जब उस काम को करते हैं तो वो रिजल्ट को आप ले सकते हैं, मतलब कुछ हद तक आप अपने अनुसार रिजल्ट को ले सकते हैं, कंप्लीटली बदल नहीं सकते। यानी वो यदि आप शिक्षा टीचिंग वाला काम करते हैं, कमीशन वाला काम करते हैं, तो भी धन की नुकसान की संभावना है, वो नुकसान कराएगा, लेकिन काम के हिसाब से रिस्क घट जाता है, रिस्क जो है वो घट जाता है। जैसे सेकंड कस्पल सब लॉर्ड, अब यहां मैं अपनी ही कुंडली का आपको एग्जांपल देता हूं, सेकंड कस्पल सब लॉर्ड मेरे में 2, 5, 8, 10 का रिजल्ट दे रहा है, धन का नुकसान है, 5 और 8 धन का नुकसान कराएगा, दूसरे और दसवें के कारण धन आएगा, 2 और 8 के कारण अचानक से धन आएगा, 5 और 8 के कारण अचानक से धन का नुकसान होगा, ये चीजें हैं। अब मैं पहले कोचिंग भी मैं चलाता था, बच्चों को ट्यूशन भी देता था, जब पढ़ाने के बाद पैसे जहां मिलने वाली स्थिति होती है वहां निश्चित है 100% की पैसा फंसेगा। अब आप 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मंथ एंड में आपको उनसे पैसा लेना है, 50 का ही पैसा आएगा, 50 का नहीं आएगा, किसी न किसी कारण सबको अपनी अपनी समस्या हो जाएगी, मामला फंस गया, टीचिंग कर रहे हैं आप। लेकिन वहीं इस फॉर्मेट को आप बदल लीजिए, पैसा पहले ले लीजिए, तो रिस्क क्या है, कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, ये रिजल्ट चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? अब इसको टेस्ट करना है, किसी को आप उधार दे के देखिए, फिर पता चल जाएगा कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बदल गया। यानी काम के करने के तरीके से आप इसके रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं, बाकी ये रिजल्ट कभी चेंज नहीं होगा, धन के मैटर में ये नुकसान कराएगा। सेकंड, जब हम 10th कस्पल सब लॉर्ड पढ़ेंगे तो वहां से प्रोफेशन की बात होती है, प्रोफेशन हम 10th से भी देखेंगे, और सेकंड कस्पल सब लॉर्ड भी एक इंडिकेशन देता है कि आप किस प्रकार के काम से पैसा कमा सकते हैं। तो बेसिकली धन वाले भाव के आधार पे भी आप काम को अपना सेट करना चाहें तो भी वो एक पैसे का माध्यम बनता है। अब ये 5 और 8 ऑकल्ट का है, मेन एस्ट्रोलॉजी वास्तु ये वाला जो प्रोफेशन है इसका भी। अब इस प्रोफेशन में भी जहां पैसे आप पहले नहीं लेंगे तो 99% पैसे वहां से नहीं आएंगे, लेकिन पैसा जब पहले लेंगे वही हो गया, रिस्क कम हो गया, रिस्क कम हो गया। बाकी यदि जिसको ऐसा लगता है कि नहीं हम 5 और 8 ज्योतिष का काम करने लगे तो ये पूरा यूज हो जाएगा, सही है, उधार करके देखो पता चल जाएगा। समझ रहे हैं मनोज जी? मतलब आपको ऐसे लगता है कि 5 और 8 से ज्योतिष का काम हो गया तो बस ये 5 8 हाउस का यूज हो गया, तो करके देखिए क्या पता चलता है। समझ रहे हैं? मैंने एक वास्तु किया था,
सोमनाथ मुझे दर्शन करने जाना था अहमदाबाद होके, तो वहीं के एक आदमी मिले, फर्नीचर की शोरूम था उनका करना था। बोले सर पैसा कुछ कम पड़ रहा है, मैं आपको नेक्स्ट मंथ दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मेरे पुराने वास्तु के सहयोगी भी थे, उनसे भी मिलना था, मतलब काम था मेरा अहमदाबाद में। मैंने बोला चलो मिल भी लेंगे, काम भी कर देंगे। 1.5 महीने बाद मैंने उनको मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं। दोबारा जब मैसेज किया तो क्या बोल रहे हैं, वो दुकान सर पापा के हिस्से में चली गई। अरे पापा मौसा फूफा का मतलब नहीं है, हमने काम किया था, आपको ने पैसा बोला था देने के लिए, बात उस चीज़ की। अरे सर हम जा नहीं रहे वहाँ पे, अब पापा उस दुकान को संभालते हैं, अब हम क्या करें। अब बताइए, पैसा पहले हम ले लिए होते तो पापा मौसा फूफा कोई लेते, उससे हमको क्या मतलब है, समझ रहे हैं बात। यानी काम अभी भी वही है, जैसे आपने एक मौका दिया तुरंत रिजल्ट उसका आपके सामने आ गया, यानी वो पैसा फंसेगा, नुकसान होगा। तो ये चीज आपके दिमाग में रखना पड़ेगा, मैं कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दूं बिजनेस में, नुकसान होना है, अवश्यंभावी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट यदि इस प्रकार से हो कि मुझे पार्टिकुलर इतना परसेंट चाहिए कमीशन के तौर पे, आपको बेनिफिट हो लॉस हो मुझे उससे मतलब नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है लाभ हो। और उसमें भी मतलब पेन एंड पेपर का काम होना चाहिए, पेन एंड पेपर यानी आप उसके अधीन ना हो, वो रिटर्न में होना चाहिए डॉक्यूमेंटेड की प्रूफ है, अदरवाइज वहां से भी फंसने की पॉसिबिलिटी है स्ट्रॉन्ग। तो ये मतलब काम करने के तरीके के द्वारा आप रिस्क को कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते कंप्लीटली, ये बात आप जान लीजिए। क्योंकि मैं जो बात बताता हूँ थ्योरेटिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल कसौटी पे होता है। जो क्लाइंट की कुंडली जो देखता हूँ, रेगुलर के जो फेलियर्स एंड सक्सेस हैं उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ। सिर्फ थ्योरेटिकली 100% मार देना होता है, अरे ऐसा हो जाता है, क्योंकि अब कंसल्टेशन जिसको देना नहीं है बस वही ना बोलेगा, सिर्फ बोल के निकल जाना है। तो बोल के निकल जाने से कह देंगे अरे ये कर लो सही हो जाएगा, जबकि सही नहीं होगा। और ऐसे लोगों को सबसे बड़ी समस्या आती है पैसा मांगने में। यदि आपका सेकंड CSL 5 और 8 दे रहा है, 5 और 9 दे रहा है, 90% लोग पैसा मांग नहीं पाते। मेरे साथ भी समस्या थी, लेकिन परिस्थिति है ना सिखाती है। कई बार एक कहा होता है कि स्कूल में टीचर पहले आपको सिखा के फिर एग्जाम लेते हैं, लेकिन जिंदगी क्या है, एग्जाम लेके तब सिखाती है। तो वहीं जिंदगी ने सिखाया कि मांगना पड़ेगा, तो वहीं जिंदगी से सीख के तो चीजें आई। लेकिन नॉर्मली लगभग ये कंसल्टेशन के दौरान कहीं एक्सपीरियंस है, सेकंड सेशन में 5 8 9 ये दी रहा तो आदमी मांगता नहीं है, तो जब नहीं मांगोगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा, ये चीज आपको सीखना है पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो अभी आपने ये समझा, सेकंड कस्पन्स ऑफ लॉर्ड में 1 5 8 9 12 यदि हो तो नॉर्मली फाइनेंस के लिए निगेटिव रिजल्ट होता है, धन का नुकसान, धन आने में समस्या, ये रिजल्ट आपको मिलेंगे। धन से मतलब जो भी चीजें आपके पास चाहे वो ज्वेलरी के फॉर्म में है, घर के फॉर्म में है, खेत फार्म लैंड के फॉर्म में है, बैंक बैलेंस है, आपकी शेयर वगैरह की इन्वेस्टमेंट है, SIP म्यूचुअल फंड जो आप कर रहे हैं, क्योंकि जो आप जमा कर रहे हैं वो आपका सेकंड हाउस ही है। मतलब आपका मान लो शेयर में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट आपका सेकंड हाउस ही है जो आप उसमें जमा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड में आप कर रहे हैं तो वहीं वो आपका सेकेंड हाउस ही है, क्योंकि आपको जरूरत हुई आप शेयर वाला पैसा तो उस दिन भी बहुत सारा निकाल सकते हैं, नेक्स्ट डे सेटलमेंट होने के बाद निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी 2 3 दिन के अंदर पूरा पैसा आ जाएगा, आपको जरूरत पड़ी आप क्या करेंगे, पैसा वहां से निकाल लेंगे, तो वो भी सेकेंड हाउस ही है। क्लियर हुआ? तो 1 5 8 9 12 धन के नुकसान का होता है। अब धन के लाभ की हम बात करें डायरेक्टली, तो डायरेक्टली जो धन लाभ वाले भाव होते हैं, तो 2 6 और 10, 2 6 10 ये धन के त्रिकोण होते हैं, और 11वां भाव धन लाभ का होता है। ठीक है,
बारहवां भाव धन से संबंधित वैसी इच्छा पूर्ति जो खर्च करने के बाद मिलती है। तो ट्वेल्थ हाउस उस चीज के लिए भी आता है, लेकिन ट्वेल्थ कब बेनिफिशियल होगा? जब 5, 8, 9 नहीं हो। 5, 8, 9 जब नहीं हो तो ट्वेल्थ आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। क्यों? आपकी इच्छा है कि हम शेयर में पैसा लगाएं, मतलब शेयर से पैसा कमाएं, ठीक है? या हम बात इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, तो आप उसमें हर महीने अपने सेविंग का एक हिस्सा डालेंगे, तभी तो वो होगा। मान लीजिए आपका पार्टिकुलर दिमाग में है कि टाटा मोटर्स के शेयर में हमें डालना है, ये ग्रो करने वाली कंपनी है, 20 साल बाद 10 साल बाद निकालेंगे, तो पहले आपका खर्चा होगा, तभी तो वो आपकी इच्छा पूरा होगा। आपको ऐसा लगता है कि 10 साल बाद टाटा मोटर्स जो 1,000 का, वो 10,000 का होगा, मतलब 10 साल में 10 गुना हो जाएगी। तो उसके लिए टाटा मोटर्स का शेयर खरीदना होगा, तो आप खर्चा करना पड़ेगा ना, पैसा लगाना पड़ेगा, मतलब 12वां जो इन्वेस्टमेंट का है, तो आपकी वो इच्छा को पूरा करेगा लॉन्ग टर्म में। तो वो 12th हाउस 5, 8, 9 नहीं हो तो वो आपकी उस इच्छा को पूरा करने के लिए मतलब पॉजिटिव रिजल्ट हो जाता है। यहाँ फिर से इस बात को समझिए कि 12वां भाव जो खर्चा नुकसान इन्वेस्टमेंट का है, ये रिजल्ट उसका वहीं रहेगा, लेकिन जब 5, 8, 9 नहीं होते हैं तो अधिकतम खर्चे आपके सही जगह पे होते हैं। जैसे आपने घर खरीद लिया, आपके लिए था, आपने गाड़ी खरीदी, आपने जमीन खरीदी, आपने शेयर खरीदा, तो ये चीजें आपको दिख रही है, तो ये आपका, इसमें कुछ खर्चे भी हो सकते हैं। जैसे मान लो आपके घर का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, तो ये सब आउटकम आपको दिख रहा है। नुकसान का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप मान लो गए, गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो गया या ठोक गया है, पलट गया, कुछ टूट गया, मतलब जो नॉर्मल मेंटेनेंस की बात नहीं हो रही है, ऐसे ही जो नहीं होना था वो चीज़ें हो गई। आपने किसी को पैसा दिया, वो लेके गायब हो गया, वो नहीं मिला। आपने कोई बिजनेस चालू की, वो डूब गया, खत्म हो गया। तो ये सारे नुकसान हो जाते हैं जो कि 12वें के साथ 5, 8, 9 का रोल होता है। यानी 5, 8, 9 यदि ना हो तो 12th हाउस बुरा नहीं है। ये आपकी इच्छा पूरा करने का एक माध्यम बनता है, जो खर्च या इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होता है। आपको मन किया कि मुझे iPhone 15 लेना है, तो वो iPhone 15 आपकी खर्चा करेंगे, तभी तो वो इच्छा पूरा होगा ना। आपने उस चीज को ली तो वो पूरा कर दिया। अब 8 या 5 या 9 या 12 से ये जुड़ जाए 5, 8, 9 के साथ में, तो आप लेंगे आईफोन, 2 महीने बाद पता चलेगा वो उसका डिस्प्ले फूटी है, 40-50 हज़ार का खर्चा हो गया या कहीं गिर गया, तो नुकसान हो गया। नहीं, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो पॉजिटिव हाउसेज हैं, 2, 6, 10, 11 और 12, ये धन के लिए पॉजिटिव है। जो बच जा रहे हैं, जैसे 3rd हाउस है, 4th हाउस है, 7th हाउस है, ये क्या होंगे? ये सारे धन के लिए सपोर्टिव हाउसेज, यानी वो धन देने में कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे। इनसे धन का नुकसान नहीं होना, ये आपके लिए हेल्पफुल फैक्टर है। यहाँ तक क्लियर है या कोई समस्या है? बोलिए बोलिए मोहन जी, बहुत देर से आप बातों को सुन और समझ रहे हैं। क्लियर कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए, किसी की कुंडली का सेकंड CSL आपको पता हो तो बोलिए, मैं बताता हूँ उसके धन की स्थिति। वैसे आदमी का चार्ट दीजिएगा जिसके बारे में आप जानते हो, कंफर्म हो, तो पता चले आप नहीं जानते हो तो फिर क्या होगा, गलत आपकी तरफ से फीडबैक आएगा, तो हम इस साइड हो जाएंगे, ये चीजें होंगी। बोलिए। सर, ये मेरा ही है, बोलिए। मून है 1/7, मून है 1/7, अनटेनेंटेड है, तो उसका नक्षत्र लॉर्ड भी 1/7 है, टू टू तो नहीं था। आ जाएगा वो भी। अभी टेन आप नहीं पढ़ी है फिलहाल। अच्छा, तो 1/7, 1/7, और उसका सब लॉर्ड है सैटर्न 1/5।
हाउस आप पढ़े हैं बस उसी को यूज करना है सामान्य तरीके से। दूसरा भाव धन का है, दूसरा इनके तीनों लेवल पे है, प्लेनेट स्टार और सब लॉर्ड। तो ऐसे आदमी के पास धन आएगा, धन का सुख मिलना है, सेकंड हाउस धन के सुख का है। अब ये धन के सुख में आप बैंक बैलेंस समझिए, ज्वेलरी समझिए, घर समझिए, जो भी यानी प्रॉपर्टीज वेल्थ होती है वो सुख मिलना है। सेवेंथ हाउस पॉजिटिव है तो ये भी उसमें कहीं ना कहीं साथ दे रहा है। सेवेंथ यानी बिजनेस के माध्यम से भी धन आ सकता है, पार्टनरशिप के द्वारा धन लाभ हो सकता है, पति या पत्नी के द्वारा धन लाभ हो सकता है, तो वो धन लाभ है। दूसरे बेटे या दूसरा संतान है उसके माध्यम से भी हो सकता है, मतलब सेवेंथ हाउस वो आपके लिए सपोर्टिव फैक्टर। ये भी दो लेवल पे है, प्लेनेट और स्टार स्तर। धन के लिए जो निगेटिव भाव है वन, वो तीन लेवल पे है, प्लेनेट स्तर पे भी है, स्टार स्तर पे भी, सब लॉर्ड स्तर पे भी। तो आए हुए धन का नुकसान कराएगा, मतलब धन आएगा और आए हुए धन का नुकसान है। अब नुकसान का क्या क्या फॉर्मेट हो सकता है, जैसे किसी को दिए वापस वहां से नहीं आएगा, उस कारण नुकसान हो जाएगा। आप किसी बिजनेस में लगाए वहां से वो जो आपकी उम्मीद है वो पूरी नहीं होगी, वो नुकसान हो जाएगा। धन के नुकसान का फर्स्ट हाउस जातक स्वयं भी होता है, तो धन के नुकसान के कहीं ना कहीं आप भी एक माध्यम बनते हैं और उसके कारण धन का नुकसान होगा। पंचम भाव, वहीं अगेन एक और पांच धर्म त्रिकोण का भाव है, तो आप मनी मैनेजमेंट, जो मनी माइंडेड जो क्वालिटी होनी चाहिए वो आप में नहीं रहेगी, उसके कारण आपके धन का नुकसान उठाना पड़ेगा। अधिकतम जो पॉसिबिलिटीज होती हैं धन की वो क्या होती है, एक उधार के द्वारा और दूसरा बिजनेस के द्वारा। तो इन दो जगहों पे आप यदि पैसा देते हैं तो 90% पॉसिबिलिटी है कि आपको धन के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब बताइए रीजा जी, कैसा आपकी धन की स्थिति अब तक में, कितना सही है कितना गलत है, बोलिए। उधार तो सर मैंने किसी को दिया ही नहीं आज तक, ठीक है, तो वो वो तो ऑब्जर्वेशन फिर नहीं है। हाँ जी वो मेरे से मतलब वो तो चीज है नहीं। बाकी मतलब 7 नंबर से तो मेरे स्पाउस से आता है धन। बाकी ये है कि आता है कई बार और फिर बंद हो जाता है आना, फिर आ जाता है कभी कभी, मतलब कहीं ना कहीं से सेकंड हाउस है तो धन तो आना है, ये तो फैक्ट है। हाँ जी धन वेल्थ वो जो चीजें मतलब ज्वेलरी से लेके घर गाड़ी जो भी और प्रॉपर्टीज वगैरह समझे, ये सब धन का ही एक पार्ट है, एक रूप है, तो वो धन आना है ये निश्चित है। आगे पुनर्फू दोष पढ़ेंगे, चंद्र और शनि का कनेक्शन बन रहा है बेसिकली, तो ये चीजों में डिले कराता है। जैसे सेकंड कस्पल सब लॉर्ड में आपका आ रहा है, वैसे ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन ये भी एक माध्यम है कि जो उस काम में डिले है, धन एक गति से समान गति से नहीं आएगा। कहीं ना कहीं जैसे आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे यहाँ से पांच जगह से मान लो पैसा आना है, तो दो जगह तीन जगह से आ जाएगा, दो जगह से नहीं आ जाएगा। आपको मान लो एक्सपेक्टेशन होगा कि मई में आना चाहिए, मई में नहीं आके जून में आए, मतलब धन आएगा ये निश्चित है, गति जो है उसकी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन धन आना है। धन आने में लॉस लॉसेस भी बहुत होते हैं, मतलब एज अ लॉसेस फैमिली काफी होते हैं, जैसे वही फोर एंड अननेसेसरी फाइव लॉसेस का ही तो बताया मैंने, वह कोई बीमार हो गया था पीछे, कोई शिफ्ट किया उसमें काफी नुकसान हुआ, और काम स्लो हो जाता है उसमें काफी नुकसान हो जाता है। सेकंड कस्पल सब लॉर्ड बेसिकली जो आपके पास का पैसा है वो पैसा किसी न किसी माध्यम से आपसे निकल जाना, तो जो निकल जाना हुआ वो ही नुकसान की कैटेगरी में आएगा। हाँ, अब निकल निकल जाता जाने है को, मतलब। अब इस निकल जाने को हम इन्वेस्टमेंट वाले कैटेगरी में नहीं ले जाएंगे, वो नुकसान नहीं हुआ, इसलिए मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि आपने एक घर खरीद लिया, आपके पास 50 लाख रुपया और आपने घर खरीद लिया, अब आप कह रहे पैसा चला गया, वो नुकसान नहीं है, क्योंकि वो भी आपका घर बना हुआ है, कल बेचेंगे फिर आ जाएगा, मैं समझ रहे। समझ रही हूँ, मतलब वो कंस्ट्रक्टिव चीजों में नहीं जाता, वो हाँ मतलब लॉसेज ही मानेंगे वन उसको। एंड फाइव वही हो गया ना, जैसे किसी का तबीयत खराब हो गया तो उसमें चला गया, काम आपका ये स्लो हो गया, लेकिन उसके जो कुछ खर्चे हैं, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारी चीजें हैं जो अपने पास से जो रखी है उसमें से चली गई, मतलब निकल गया, तो जो ये चला गया वन एंड फाइव उसी नुकसान का है। दो आने का है, सात आने का है, वन एंड फाइव जाने का,
उसमें कुछ सर तो ऐसे भी आपके ये खर्चे होते होंगे जो शायद आप अपनी मन या भावना पे नियंत्रण कर सके, आप बताइएगा कितना सही कितना गलत है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। 1 और 5 इसमें धर्म त्रिकोण वाले भाव है, तो हो सकता है यदि आप अपनी इमोशंस को काबू कर लें, आपको लगे अरे चलो डायरेक्टली मुझसे रिलेटेड नहीं है, इस खर्चे को रोक लेते हैं या नहीं होने देंगे, तो वो खर्चे रुक भी सकते हो या कुछ हद तक कम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपके इमोशन के कारण, दयालुता के कारण वो खर्चे आप उठाना पड़ता होगा या उसके कारण आपके पैसे चले जाते होंगे। ये चंद्र और 1 और 5 भाव दोनों है धर्म त्रिकोण का, तो ये भी एक रीज़न है, इसको भी आप देखिएगा कि कितना आपके लिए रिलेटेबल है। नहीं, वो रिलेट नहीं कर रहा सर, मेरे कोई खर्चे ऐसे नहीं है। और मैं किसी की हेल्प भी करती हूँ तो बहुत मॉडरेशन में 500 1000 रुपया दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, 500 रुपया उससे कभी भी। फर्क धन की क्वांटिटी, फिर वही मैं बता रहा हूँ, धन की मात्रा नहीं बताई जा सकती। इस बात को क्यों नहीं पिछली क्लास में मैंने बताई थी, हाँ वैसे उस वो हिसाब धन से गया आपके पॉइंट से। बहुत से लोग हैं जिनके लिए 1 लाख रुपया भी मॉडरेट होता है, वो तो फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करती है ना, तो हाँ जी उस चीज पे हाँ आप ऐसे मत जोड़िए। धन हाँ मतलब ठीक है गया, आप बात यहाँ इस चीज का है, क्योंकि लॉसेस तो कुंडली का कोई भी कॉम्बिनेशन धन की मात्रा को नहीं बता सकता कि कितना जैसे धन। मतलब जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, मेरे को लगता है कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन मतलब अपने आसपास में सब मतलब काफी पीछे है उनसे। मतलब मैं अपने अगर लेवल पे देखूं, जो ऐसे लोगों से मेरे आसपास के मेरे सिबलिंग्स हो गए, मेरे रिश्तेदार वगैरह, तो मैं उनके साथ अगर कंपेयर करूं तो मेरे को लगता है मेरा नुकसान ज्यादा होता है। नुकसान हो रहा है तो वही 1 और 5 है उस हाँ नुकसान जी, का कारण, अब दुनिया और में नीचे ना ऊपर से लोगों की कमी है ना अपने से। कमी हाँ है, सिंपल सी बात है ना, जी अपने से ऊपर वाले लोगों का एक लिमिट है ना, नीचे वालों का है, हाँ जी तो बराबर धन की मात्रा को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी हाउस से, ये एक चीज दिमाग में रखिएगा। किसी भी आदमी के लिए नुकसान हुआ, वो चाहे 10 रुपए का हो तो वो नुकसान है, 10 हजार का वो भी नुकसान है। अब आपकी अपनी अपनी अलग अलग आदमी के हैसियत के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी के लिए 10 रुपए भी ओह का कारण हो सकता है, और हाँ किसी के लिए जी 10 हजार भी, अरे चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हो गया, किसी के लिए 10 लाख भी हो सकता है, हाँ जी मतलब नहीं तो वो नुकसान है, ये बात दिमाग में रखना है। जैसे आपने बोला था ना, मैं भी मेरे को भी ऐसे लगता है जैसे हम जिनके साथ उठते बैठते हैं उन्हीं के साथ कंपैरिजन भी होता है ना फिर। सिंबल अधिकतम वही होता है। हाँ जी, तो उनके साथ मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा ज्यादा थोड़ा सा। हाँ तो हो रहा है, तो वहीं अब इसी चीज़ को आपको रिलेट करना है, हाँ इसलिए जी हाँ मैंने जी एक चीज़ ये भी रखा कि मे भी कहीं ना कहीं आपके इमोशंस भी हो सकते हैं उसके कारण, आपके इमोशंस जो कोई चलिए, नहीं है मेरे ऐसे। और दूसरा कोई बोलिए, मनोज जी आपके पास या मोहन जी आपके पास हो तो। सर मेरा क्वेश्चन मैम के ही सिग्निफिकेशन पे है। अभी मैम आप जॉब करती हैं नहीं नहीं करती नहीं हैं? सर, मेरा एक और क्वेश्चन था कि जब 1 के साथ 2 आता है तो मैंने पता नहीं आप कि इसका मतलब थोड़ा सा 1 अगर किसी और के साथ आए तो वो नेगेटिव ज्यादा होता है, 2 के साथ आए तो नहीं होता, ऐसा कुछ होता है? धन वाले भाव के लिए निगेटिव ही है। अच्छा ठीक। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सेकंड हाउस है वो अपना सेविंग्स है, मतलब मेरे पास जो पैसे जमा है वो खर्च हो गए हैं या 1-5 की वजह से, तो क्या इसका मतलब ये है, अभी रिचा मैम जॉब नहीं कर रहे तो उनका इंडिविजुअल सेविंग्स जो है, या उनके हस्बैंड ने जो किया है, या उनके मैटरनल से जो सेविंग्स है उनके पास, वो खर्च हो रहे हैं क्या मैम, या एज अ फैमिली वाइज आप बता रही हो कि मेरे खर्च हो जाते हैं, मतलब आपके हस्बैंड ही पे कर रहे हैं वो खर्चा? कोर्स वही पे करते हैं इस पर, जैसे मतलब वही मेरे अकाउंट में डालते हैं तो सोर्स तो वही है, बाकी तो वहां से आते हैं, जब उनके पास कम आते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास भी नहीं आते हैं क्योंकि मैं तो काम करती नहीं हूँ। अच्छा, तो सर यही मतलब हुआ ना कि इनके पास में जो भी सेविंग्स है ये अपने सेविंग्स को भी निकाल कर खर्च कर देती है या खर्च हो जाता है? कहीं से भी हाँ किसी भी फॉर्म में सेकेंड हाउस आपके धन का है, उस धन का खर्च हो जाना 1 और 5 है, समझा धन मैं। खर्च हो जाएगा। तो सर ये इक्वल इक्वल ही है, 50-50 मतलब बना हुआ है आना जाना।
हाँ मतलब दो तीनों लेवल पे और एक भी तीनों लेवल पे है, और पांच एक उसके साथ में और बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे सात और सात सपोर्टिव है, तो मान लीजिए 50-50 वाली सिचुएशन है, धन आना और धन जाना। अरे पांच स्रोत भी तो हो सकता है। मैडम कभी आप टीचर थी क्या? नहीं सर, मैं टीचर तो नहीं थी। स्रोत तो नहीं है, मतलब कभी ट्राई नहीं किया। और वैसा मेरे को तो लगता है ये खर्च का है, बच्चे स्रोत पे खर्च होने के करना। बाद भी वो खर्च की सिचुएशन को नहीं बदल सकता। अभी 2 मिनट पहले वही चीज तो मैं बता रहा था, ये जो मेरे बेटे पे जो खर्च होता है सारा, उसका लग रहा है चीज भी मुझे। वही चीज है। आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उस रिजल्ट को बदल नहीं सकते। आप में सेकंड कस्पल सब लौट में पांच है आपके दिमाग में, और टीचिंग के द्वारा या जो भी क्रिएटिव वर्क के द्वारा हम पैसा कमाने के लिए सोचे, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पैसे के नुकसान के रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकता, वो खत्म नहीं हो सकता, ये बात निश्चित है, 100% निश्चित है। ठीक है, बोलिए मनोज जी, कोई चार्ट पे आपके पास कोई है डिटेल्स? मेरा वाला सर मर्क्यूरी 2/9/12, सेकंड कस्पल सब लॉर्ड मर्क्यूरी आपका कितना 2/9/12, है? 2/9/12, तीनों जगह पे, तीनों तीनों मर्क्यूरी ही है। ठीक मर्क्यूरी। है, तो मर्क्यूरी 2/9/12 सेकंड हाउस पैसा आने का है, 9th हाउस पैसे के नुकसान का है, 12th हाउस पैसे के खर्चा और इन्वेस्टमेंट का है। तीनों ही चीजें इसमें आ गई। सेकंड, तीनों ही स्तर पे दो 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 तो पैसा आएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। नौवां पैसे का नुकसान कराएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और 12वें के कारण, क्योंकि फिर 2 और 12 को जब जोड़िए तो धन की इन्वेस्टमेंट भी कराएगा, धन का खर्चा भी कराएगा, तो पैसा आपके पास आता भी होगा। आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में इन्वेस्ट भी किया होगा, जिस भी फॉर्म में आपने किया हो इन्वेस्ट भी हुआ होगा, और 9 के कारण धन का नुकसान भी उठाया होगा। मतलब धन आना आपके पास समस्या नहीं है, 9 के कारण उस धन का रुकना समस्या है, तो वो धन का नुकसान होगा। 12th धन के नुकसान का भी है, इन्वेस्टमेंट का है भी है। इस 12th के नुकसान वाले रिजल्ट को कुछ हद तक आप चेंज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, यानी पैसा आए और हर एक महीने आपने उसको म्यूचुअल फंड में डाल दिया, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, अपनी वाइफ के अकाउंट में डाल दिया, मतलब वो अब खर्चे को वो मैनेज करे, तो वो क्या होगा कि इस 12th का रिजल्ट कुछ हद तक चेंज हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, कुछ हद तक चेंज हो जाएगा। फिर आप बिजनेस कर ले, मान लीजिए आपके दिमाग में आती है, तो ये 9th के कारण वो पैसे की इन्वेस्टमेंट का नुकसान आपको होगा। किसी को दे देंगे तब भी पॉसिबिलिटी है, यदि दिए हों वो पास्ट एक्सपीरियंस आपका हो तो वो पैसे जल्दी नहीं आएगा। 12वां भाव है तो संभावना है कि आप पैसा दिए होंगे तो वो टुकड़ों में आएगा। आप किसी को 1 बार में 1,000 दे दिए, वो 200-200 करके 5 बार में देगा, 500-500 करके 2 बार में देगा, 100-100 रुपया करके 10 बार में देगा, या 900 दे के गंवा जाएगा, कहेगा नहीं है जो है वो, बताइए क्लियर क्या? ये लास्ट वाला तो एकदम परफेक्ट मैच हो रहा है। किसी को एक बार दिया था मैंने, उसने एक्चुअली भी इंस्टॉलमेंट में पैसे किए 2-2 हज़ार रुपए में करके, वही है। मतलब तो ऐसे ही देखिए, बहुत सारे रिजल्ट होते हैं अलग अलग। फिर आप जब इसी चीज को दोबारा वीडियो देखिएगा ना, और सोचिएगा कुंडली जो है वो समुद्र है, कुंडली के 12 भाव 12 महासागर के बराबर है। तो आवश्यक नहीं है कि मैं जितनी बताऊंगा उतनी ही आपके जीवन में चीजें होंगी, बहुत सी चीजें जो उससे डिफरेंट भी हो सकती हैं। फिर आप जब उसको सोचेंगे तो आपका कुछ अलग पर्सपेक्टिव निकल के आएगा, समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें होंगी, ये होना है, क्योंकि मेरा भी एक समय बीत गया ना इसको देखते हुए। बहुत से ऐसे प्रेडिक्शन है, जैसे मान लो मैंने किसी को बताया, वो बोला अभी नहीं है, फिर 2 महीने बाद उसने कहा कि ऐसा है, इस तरह से हुआ है मेरे साथ में, या अभी हो गया। कुछ लोगों को बाद में याद आते हैं कि ऐसी चीजें हुई हैं, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस है। तो मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो प्रेडिक्शन जो रूल्स है मैं उस पर अडिग रहता हूँ, चाहे वो आप सही बोले या गलत बोले, मैं उससे पीछे नहीं हटता, और मैं पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी नहीं अपनाता कि नहीं इसके कारण हो सकता है, नहीं नहीं हो सकता। ऐसा ही 9 नंबर के कारण एक डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट थे, मैंने कहा आपके 5 और 9 था, मैंने कहा कि पार्टनरशिप आपके लिए मुश्किल है, कहीं किए हों, यदि किए होंगे तो धन का नुकसान इसमें है। तो बोले नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला ठीक है, नहीं है तो बढ़िया बात है। स्क्रीन शॉट उनका था, शायद पीछे वाले बैच में मैंने दिखाया भी था, कि सर वो 1 साल से दवा दुकानदार जो था वो पैसे का चूना लगा रहा था,
45 लाख, 45 लाख की हेरा फेरी थी। तो धीरे धीरे करके अब सेटलमेंट होते होते 25 लाख तक आया था। मतलब उस आदमी ने जब मुझसे कंसल्टेशन लिया था उसके पहले से भी उसके साथ चल रहा था, हिसाब कभी हुआ नहीं था, अब इनको पता नहीं था। जब हिसाब हुआ तो निकल गया आया 45 लाख का। चीज़ें हुई तो वो होना है, वो अलग बात है कि उससे आप रिलेट नहीं कर पाए या नहीं होगा, तो ये चीज़ है, किसी न किसी फॉर्म में मिलेगा। क्लियर? सर, ये धर्म त्रिकोण के अगर हाउस नहीं है किसी के हाँ पास में, तो हाँ इसका मतलब है कि क्या वो बंदा कभी सेविंग कर नहीं पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा? सेविंग्स नहीं होगी उसके पास, या पैसा कभी आएगा ही नहीं, ऐसा होता है? नहीं कभी क्यों नहीं, धन जो 2, 6, 10, 11, 12 भाव हैं तो धन के लिए पॉजिटिव ही है ना, हाँ, और अगर यही नहीं है, ये पूरा का पूरा नहीं है हाँ एक भी नंबर नहीं है मान लो, तो फिर बड़ा मुश्किल है उसके पास पैसा आना, अच्छा मुश्किल स्थिति है। अभी तो पैसा आना जानते मुश्किल दोनों है सर, या पैसा को बचाना मुश्किल है? अच्छा ही मुश्किल हो जाएगा, आना भी मुश्किल हो जाएगा, बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, दोनों ही है। अब कमा के छठा और दसवां भाव अभी बाकी है, जब उसमें देखेंगे तो उसमें 6 और 10 भाव में यदि ये हाउसेज आ रहे हो तब तो कमाने की एक संभावना वहां से आ जाएगी, लेकिन बच नहीं पाएगा। बच नहीं होता। 6 और 10 भाव आगे, मतलब जैसे आप सेकंड कस्पल सब लॉट पढ़ रहे हैं वैसे ही 6 एंड 10 कस्पल सब लॉट भी पढ़ेंगे, तो वहां से यदि ये हाउसेज जो धन वाले हैं वो जुड़ रहे हैं तो आदमी कमा तो सकता है, कमाने की एक संभावना वहां मिल जाएगी, लेकिन बच नहीं पाएगा। और ऐसे बहुत से लोग आपको जीवन में मिलेंगे जिन्होंने 40 साल, 50 साल या 60 साल मतलब काम किया और बाद में पता चला कि उनके पास संपत्ति के नाम पे कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बना पाए, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। समझ रहे हैं? मिलेंगे बहुत से लोग। एक आदमी बिजली विभाग में SDO के पद से 58 ईयर्स में VRS ले लिया, कुछ समस्याएं रही होंगी, अभी उसके पास एक घर है, घर के अलावा कुछ भी नहीं है। अब बताइए SDO बिजली विभाग में, और उसके बाद चीज़ें ऐसी रही, सब खत्म हो गया, नौकरी भी पूरा नहीं हो पाया। तो ऐसे लोग हैं, मिलेंगे आपको, कि कमाया लेकिन कुछ बना नहीं पाया, तो वही सेविंग्स कहें या कुछ बनाना कहें तो वो नहीं हो पाएगी। मैं भी ऐसे एक अंकल को जानता हूँ अभी भी। वो मतलब बचपन से हम देखते थे, बहुत अच्छा कमाई, बहुत पैसा, मतलब आना बहुत पैसा, लेकिन कुछ नहीं, ना घर ले पाए ना कुछ ले पाए, उनका बस सेकंड खुद का। CSL कुंडली का डिटेल्स है आपके पास? नहीं, मैं ट्राई करता हूँ नेक्स्ट ठीक है, मिलेगा तो आप इसको चेक कीजिएगा, आपको आसानी से रिजल्ट समझ में आ समझ जाएगा में आ कि जाएगा बराबर, क्योंकि क्या कुछ पॉजिटिव कर है। ही हाँ नहीं पाए वो, कुछ भी नहीं है, जबकि हम उनको ऐसे सोचते थे कि बहुत पैसा कमाते हैं, उनके पास कमाना एक्चुअली छह पैसा और आता दस था। से है तो आएगा, लेकिन सेकंड हाउस में जब धन वाले भाव नहीं हो तो बड़ा मुश्किल है कि वो आदमी बचा पाएगा, बचाता बचना मुश्किल है। क्लियर है? है सर। ये मर्क्यूरी का कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन है इस रिजल्ट में, या मर्क्यूरी क्या है, मल्टीपल सोर्स का है। अच्छा अब इसमें जो प्लैनेट्स के कारकत्व हैं इनको आप ऐड कर सकते हैं, तो जो मर्क्यूरी मल्टीप्लिसिटी को बताता है, तो मल्टीपल तरीके से आपके पास धन के सोर्स आने के बन रहे हैं। मर्क्यूरी मैनेजमेंट को भी बताता है, तो आप अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं, मनी मैनेजमेंट का भी स्किल आप में होगा, समझ रहे हैं? तो मल्टीप्लिसिटी हो गया, मैनेजमेंट का स्किल हो गया, एगेन मर्क्यूरी जो है वो कारक, जैसे धन आने की हम संभावनाओं को तलाश करें तो मर्क्यूरी बिजनेस सेक्टर हो जाता है, वहाँ से आ जा सकते ही है। आपका जो मीडिया हो गया, ऑनलाइन वर्क हो गया, सॉफ्टवेयर का काम हो गया, नहीं कंप्यूटर वगैरह ये सारी चीज़ें जो हो गई तो इससे जुड़ा क्षेत्र हो गया, यहाँ से भी संभावना बन रही है। नहीं मर्क्यूरी आपको ये जो सर्विस वाले काम, जैसे अब आप मान लो इवेंट प्लानर का काम हो गया, अलग अलग जो प्लान ये काम हो रहा है ना वेडिंग प्लानर का, तो शहरों में और बहुत सारे काम होते हैं जिसमें आप मैनेज करके कमीशन लेते हैं, तो मैनेज वाला जो काम है मैनेजेबल, तो उससे द्वारा भी आपके इनकम को बता रहा है, वहाँ से भी आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। मतलब जो आप सेकंड मल्टीपल तरीके से, अभी आप क्या करते हैं प्रेजेंट में नौकरी करते हैं, नौकरी तो नौकरी के साथ साथ आप अलग भी काम कर सकते हैं,
क्योंकि जब सेकंड कस्पल सब लॉर्ड मर्क्यूरी और जुपिटर जब हो जाए तो वो एक पॉसिबिलिटी देता है, एक रास्ता बनाता है कि आप ऐसे काम कर सकते हो। सर इसी में ना, इसी दूसरे हाउस में केतु भी है प्लैनेट। ठीक है, वो केतु दूसरे हाउस में जब बैठा होगा, जब हम प्लैनेट्स का अध्ययन करेंगे तो उसमें वहां पे नॉर्मली केतु दूसरे का रिजल्ट दे रहा है, दूसरे में दूसरे बैठा है यानी दूसरे का रिजल्ट दे रहा है, अच्छा केतु भी आपके धन का एक कारक बन गया। अब वो जो धन का कारक बन गया, आप एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि केतु दूसरे में है तो धन का नुकसान करेगा, धन हाँ नहीं हाँ है, वही ठीक है, सोच रहा था। जबकि केतु भी धन देगा, लेकिन केतु के कारकत्व तो अलग है, केतु त्याग का है, क्वालिटी का है, आप वहां फोकस करेंगे तो वो देगा। जैसे मर्क्यूरी मल्टीपल तरीके से देगा, मैनेजमेंट के माध्यम से देगा, तो वैसे ही केतु जो है वो क्वालिटी पर है, मतलब आपके काम का फोकस क्वालिटी होना चाहिए ना कि पैसा होना चाहिए। तो आपको लोग खोज के लाके पैसा देंगे कहाँ, और रात में सोए रहेंगे तो आपकी डोरबेल बजेगी, मनोज जी आइए पैसा ले जाइए, बात समझ रहे हैं मेरी, तो वो देगा। लेकिन उसका कारकत्व तो मैंने शुरू में इसलिए नहीं बताई थी आपको, कारकत्व तो का केपी एस्ट्रोलॉजी में 10% से ज्यादा रोल नहीं है, पूरा रोल हाउसेस का है। लेकिन यही चीजें कई बार लोगों के दिमाग में जो आती है कि आखिर ऐसा क्यों है, तो वही इसके ठीक उलट राहु यदि आपके सेकंड में होता तो वो क्या होता, राहु जो है आपका एक बड़ा सोच है, नहीं सोच को आप बड़ा कीजिए, काम को आप अपने आप वो ऑटोमेटिकली सोच बन जाएगी, कुछ गलत सही भी आप कर सकते हैं, आपके लिए क्वालिटी उतना बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है, तो उस माध्यम से आप धन जनरेट करेंगे, तो राहु का कारकत्व तो हो गया, समझ रहे हैं। तो वो उसमें उस चीज पे मत जाइए कि केतु सेकंड का रिजल्ट दे रहा है तो धन नहीं देगा, देगा केतु के तरीके से देगा, तरीके से देगा। बस क्वालिटी पे फोकस कीजिए ना, पैसा आएगा। बहुत से ऐसे काम है ना दुकान में ही आप देखते होंगे, डे टू डे में बहुत से ऐसे दुकान है उसे लिख दिया है फिक्स प्राइस, आप जाइए एक सामान लीजिए तभी उतना ही में 1,000 पीस लेना है, उसका कहेगा नहीं मेरा जो है वो फिक्स है, आपको लेना है तो लीजिए नहीं तो फिर जय श्री राम, लोग लेते हैं ना, पता है कि हाँ इसकी क्वालिटी सही है या इसके जो रेट है वो सब सही है, वहां होता है। काम कोई भी कीजिए, तरीके को चेंज कर लीजिए तो काफी सारी चीजें बदल जाती है, नहीं, तरीका बदलो स्टेपर नहीं हो तो अप्स तरीके एंड बदल डाउन जाते। बहुत सारे आते हैं सर, लेकिन ये जो आप बोले ना, बाय डिफॉल्ट वो मतलब मैं काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मतलब अपने काम के प्रति ईमानदार रहता हूँ, शायद रहते हैं तो पैसा इसीलिए। अब तक आप नहीं कमाए हैं, सेकंड हाउस का आप कमाना भी वहीं, फिर आप मुंबई में अंबानी से तुलना कर लीजिए तो भिखारी की तरह लगेंगे, बात उसकी नहीं है, बात ये है कि जो आप काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सोचिए सिंपल, तो सही बात। आना ही सेकंड हाउस है, नाइन्थ हाउस नुकसान का है, नुकसान होता है सर इमोशनल बेस पे बहुत ज्यादा, तो नाइन्थ हाउस धर्म त्रिकोण गया तो इमोशन उसमें आ ही गया ना, इमोशन के चक्कर में बहुत नुकसान करता हूँ वन मैं। फाइव नाइन इमोशन ही है, ठीक है। लग्न कौन सा है आपका, लग्न ये है ये है बताइए, रुके बताता हूँ, लग्न 7 नंबर राशि। 7 नंबर तुला है आपका, सेकंड में आपका 8 नंबर वाटर एलिमेंट आ गया, तो आपको और पैसे को लेके और इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो इमोशन के कारण पैसे का, चूंकि धर्म त्रिकोण का भाव भी आ जा रहा है और वाटर की राशि भी वहां आ जा रही है, तो इसलिए नुकसान आपको ज्यादा हो सकता है, क्लियर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ये हमने सेकंड कस्पल सब लॉर्ड के रिजल्ट को, यानी धन वाले मैटर के लिए सेकंड कस्पल सब लॉर्ड के पॉइंट्स हमने समझे। दूसरा धन के लिए एक और माध्यम आपके पास ये होता है कि जैसे सेकंड कस्पल सब लॉर्ड यही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ यदि किसी की कुंडली में सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट है तो सेकंड हाउस में जिसमें नहीं है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, यदि है तो वो प्लेनेट भी धन देने का एक सोर्स होता है, मतलब धन की स्थिति बताने का। अब उसके लिए भी हमें, जैसे मान लीजिए आपके सेकंड में केतु बैठा हुआ है, पहले
वैसे केतु को आपका पूरा स्क्रिप्ट याद है, पता है केतु रिजल्ट क्या क्या दे रहा है? हाँ मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। बोलिए। केतु प्लैनेट लेवल पे 1 2 3 6 8 12, वन टू थ्री 3 6 8 12, सिक्स एट ट्वेल्व। स्टार लॉर्ड में वीनस 1 8, और सब लॉर्ड में राहु 1 3 4 5 वन थ्री फोर फाइव 6 8 9 12, सिक्स एट नाइन ट्वेल्व। अब देखिए, केतु एक तो जो मोक्ष का ही कारक है, त्याग का कारक है, इसका स्टार वीनस जो धन का बाय डिफॉल्ट कारक है, और राहु जो माया का ही कारक है, चीजों को बढ़ाने का, मल्टी मिलेनियर जो लोग बोलते हैं, मल्टी मिलेनियर से मतलब ये नहीं है कि आप मिलेनियर बनेंगे तभी राहु रिजल्ट दे रहा है, आपकी स्थिति पहले से बेटर हो गई, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो भी राहु ही है, समझ रहे हैं? तो वो ऐसा नहीं कि अब आप सोचे अरे मैंने 5 करोड़ नहीं बनाया, 10 करोड़ नहीं बनाया तो फिर राहु रिजल्ट नहीं दे रहा, नहीं, आप पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं? यदि आपको लगता है कि आपने सोचा नहीं होगा और वो चीजें आपको मिली तो वो राहु है। अब इसमें जैसे सिर्फ हम हाउस वाइज जज करते हैं, अब केतु में दूसरा भाव छठा भाव ये धन का कंप्लीट पॉजिटिव हाउस है, 8 आ जाने के कारण नुकसान का भी है धन का, अचानक से धन आने का भी है, फिर 8 और 12 है तो अचानक से धन के नुकसान का भी है, मतलब केतु धन आने को भी बता रहा है, धन जाने को भी बता रहा है, धन के इन्वेस्टमेंट को भी बता रहा है। केतु के स्टार वीनस को पकड़ते हैं तो 1 और 8 वन नुकसान का है, 8वां भाव इरेगुलर फ्लो ऑफ मनी गया, 8वां आपके तीनों में है, यानी कभी पैसा आएगा कभी पैसा नहीं आएगा, कभी आया तो वो धन लाभ मान लीजिए और गया तो धन का नुकसान मान लीजिए, तो वीनस हाउस वाइज निगेटिव रिजल्ट दे रहा है। इसका सबलॉर्ड जो राहु है इसमें देखिए, तो जो मुख्य सेकंड हाउस है वो नहीं है, सेकंड का सपोर्टिव थर्ड है, फोर्थ है, सिक्स्थ है, धन के नुकसान के लिए 1 5 8 9 12 है, पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया, यानी धन आना भी है धन जाना भी है, धन का नुकसान होना है ये यहाँ पे निश्चित है। अब इस रिजल्ट को यदि आप सोचते हैं करने के द्वारा, मतलब इस रिजल्ट को अपने लिए यूज किया जाए, निगेटिव रिजल्ट को कुछ हद तक कम किया जाए, बदल नहीं सकते, फिर मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं, तो क्या होगा? केतु जो है वो प्लेनेट, वो सोर्स होता है, मतलब ऑब्जेक्ट है काम करने का, जैसे आप मालिक हो गए और आपके 4 स्टाफ है, आपने स्टाफ को बोला जाके बाजार से सामान खरीद के लाना है, तो खरीद के कौन लाया? स्टाफ लेके आया, ठीक है, काम आपका है। तो ये ओवरऑल ये जो 3 स्क्रिप्ट आपको दिख रही है, तो करने का माध्यम केतु है, यानी करने का तरीका केतु जैसा रखना पड़ेगा, क्वालिटी फर्स्ट ये आपके माइंडसेट होनी चाहिए, क्वालिटी फर्स्ट आपकी माइंडसेट हो गई। अब इसमें वीनस हाउस वाइज देने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि निगेटिव हाउसेज है, तो वीनस के एट्रीब्यूट्स को आप ऐड कर सकते हैं, वो ऐड क्या करना हुआ? अपनी चीजों को एक ब्रांडिंग करना, बताना, ये वीनस है कि मतलब मैं ये काम कर रहा हूं, ये मैं दे रहा हूं, तो एक जो ब्रांडिंग है वो वीनस, यानी इसके कारकत तो कहीं आप ऐड कर सकते हैं, हाउस इसमें कुछ नहीं है काम वाला। और राहु जो है वो एक्सपेंशन का कारक है, विस्तार का कारक है, तो अब इस चीज को आप लकीर के फकीर जैसा बैठ के काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं हो सकता अरे चलो लोग आएंगे मेरे पास धीरे धीरे चलेगा, नहीं, लोगों तक पहुंचना होगा, लोगों तक पहुंचना होगा। मैंने एक फिल्म देखी थी, है क्या कि पंचम भाव क्रिएटिविटी का दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जब मैं कोचिंग पढ़ाता था तब से ये चीज़ें दिमाग में चलती हैं, तो तुमसे अच्छा कौन है शायद फिल्म का वो नाम था, एक ही किम शर्मा हीरोइन थी, हीरो एक ही फिल्म किया उसके बाद वो गायब हो गया, तो
सिंगिंग बैकग्राउंड पे था, वो इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी बनी हुई है। उसमें वो सिंगर जब किसी म्यूजिशियन के पास जाता है तो उसको मौका नहीं मिलता, तो एक सिंगर वो हीरोइन बोलती है कि हम ही अपना प्रोडक्शन हाउस सेट करते हैं और इससे गाना गवाते हैं। तो वो जो एक म्यूजिशियन था वो बोलता है कि इसका कैसेट खरीदेगा कौन? तो बोलती है मैंने बेचने की बात कब की, हम लोगों को फ्री में देंगे, लोगों को इतना हम प्रचार कर देंगे कि लोगों को सुनने के लिए बातें कर देंगे। आज की टेक्नोलॉजी यही चल रही है ना, आप जो सोचते हैं, हम और आप बात कर रहे थे, मोबाइल पास में है, नेट ऑन है, तो वो चीज़ें किसी टॉपिक से रिलेटेड होगा आपके पास आने लगेगा, ऐड आने लगेगा। कई बार हमें लगता है कि हम देख रहे हैं, देख नहीं, वहीं आपको दिखाया जा रहा है, दिमाग को हमारे मार्केट गवर्न कर रहा है, समझ रहे हैं? तो ये राहु ही है, आपको लोगों के दिमाग में घुसना है। एक चीज देखिए, जो ज्योतिष की ही हम ले, यूट्यूब फेसबुक ये सारी चीजें माध्यम है, लोगों को क्या लग रहा है, अरे मेरा रुझान है, हम ज्योतिष सीख रहे हैं। ज्योतिष सीख थोड़े ना है, आपके दिमाग में वो जा रहा है, आप एक वीडियो सर्च कीजिए, देख रहे हैं उसके नीचे सैकड़ों वीडियो आपके लाइन में आ गए। आप फेसबुक आपका उस मोबाइल में जो अकाउंट है जीमेल वाला, वो जहाँ जहाँ जिस मोबाइल में ऐड होगा आप खोजिए, वहीं सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। आप यही सोचिए, आज से 10 साल पहले किसी का ज्योतिष में रुझान होता होगा, वो कहाँ से सीखता होगा? कोई था ऑप्शन? लोग बनारस जाते थे हमारे यहाँ के सीखने के लिए, पंडिताई पढ़ने। आज क्या हुआ, ऑनलाइन जमाना आ गया, तो जो आप सोच रहे हैं वो आपके मोबाइल, आपके फिंगर टिप्स है, वो है राहु। तो वो राहु यही आपको इस एट्रीब्यूट्स को जब आप जोड़ेंगे, और किस किस सेक्टर में जोड़ेंगे, तो ये जो हाउसेज हैं वो आपके लिए सेक्टर का काम करेंगे। अब इसमें 5-8 है, 9-12 एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट का फील्ड आप ये कर सकते हैं। वीनस मेडिसिन का कारक है, केतु हीलिंग का कारक है, तो जो ये एक्यूपंक्चर का, योगा का, पावर योगा का जो काम है इसको आप कर सकते हैं, दवाओं का, मेडिसिन का काम आप कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है क्योंकि धन के नुकसान का है, तो आप उसमें एज ए कमीशन के तौर पे जुड़ सकते हैं, समझ रहे हैं? मतलब आपको कमीशन लेना है, यहाँ से उठा के यहाँ बेच देना, तो वो आप कर सकते हैं। तो इस चीज को इन यानी हाउसेस से संबंधित काम और काम के तरीके जो है उसमें प्लैनेट्स को जोड़ लीजिए, तो आपको काफी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, बोलिए मोहन जी, क्या पूछ रहे थे? केतु इनका मनोज जी का क्या है? हाँ, मनोज जी के सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है, उसी के कोडिंग रिजल्ट है। भी करते हैं क्या? केतु कोडिंग में जाना था। क्या करता हूँ सर? कंप्यूटर वाले कोडिंग करते हैं, कोडिंग कोडिंग? अच्छा, नहीं, मैं आईटी में हूँ, कोडिंग तो नहीं है, लेकिन आईटी नेटवर्क और सर्वर्स ये सारे काम में हूँ, तो टेक्नोलॉजी में तो हूँ। राहु जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, ये उसका हार्डवेयर हो गया, केतु सॉफ्टवेयर, बारीक जो माइन्यूट चीजें होती हैं वो केतु है, तो उससे भी जुड़ा हुआ आप काम कर सकते हैं। 3 और 8 है, मतलब आपके आईटी फील्ड का 3, 8, 12, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्रामिंग और जो चीजें होती होंगी उसमें आप ज्यादा बेटर तरीके का नॉलेज रखते हैं, तो उस चीज को भी आप उसमें काम कर सकते हैं, समझ रहे हैं? उसमें यदि आपको कुछ लगता है कि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो सर्विस के माध्यम से आप सेल कर सके या बिजनेस प्रोडक्ट के रूप में सेल कर सके, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्लियर है। गार्डनिंग या कोई दिक्कत है? गार्डनिंग क्या? क्या कर सकते हैं? बागवानी बागवानी बागवानी, मुंबई में बागवानी कराई गई इनसे, कर लीजिए खेती से जुड़ा हुआ काम, अयोध्या में करेंगे ना? अयोध्या में जाके करें, मतलब उससे भी जुड़ा हुआ जो मार्केटिंग है, प्रोडक्ट है, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिखती है तो वो भी कर सकते हैं। खेती से जुड़ा हुआ जो सामान है, काम है, अलग तरीके, अभी इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको प्रोफेशनल तरीके से की जा रही हैं, तो वो देख के आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर, जैसे मेरे प्लैनेट और नक्षत्र लेवल पे मून है और सब लेवल पे सैटर्न है, तो उसको कैसे आप मतलब अलाइन कर सकते हैं अपने थोड़ा आप सा बताइए, थोड़ा बेटर करने के लिए? आप भी बताइए।
नहीं, मुझे तो लगता है मून थोड़ा सा जो लगता है वो सॉफ्ट। बोलिएगा, तभी तो पता चलेगा कि आपने क्या हाँ, समझा, क्या सोचा, बताइए। मुझे लगता है कि ठीक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अरे तो मुझे बोलिए लगता है ना। कि जो थोड़े सॉफ्ट प्रोफेशंस हैं, थोड़ा जिसमें थोड़ा केयर आप दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा नर्चरिंग एंड थोड़ा सेंसिटिव साइड, और सैटर्न से मुझे नहीं पता क्या कर सकते हैं। जैसे काम कुछ बताइए, कौन सा काम, कैसे, किस प्रकार का, फूड, फूड वाला कर सकते हैं। लेकिन फूड वाला जो प्रैक्टिकल काम अप्रोच है ना, वो ये है कि फूड के काम में आपको कंटिन्यूअस काम मेहनत करना पड़ेगा, और वो हाँ टेस्ट पे जी, बेस्ड होता है। जो काम टेस्ट पे बेस्ड होता है, उसमें यदि कोई आदमी एक दिन, आपके मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट खोला, पहला दिन वो आ गया, उसको जो टेस्ट मिली, 3 महीना बाद भी आएगा तो वहीं वो आपसे एक्सपेक्ट हाँ करेगा। जी, मतलब उसके मैं लिए मून को देख के बता रही हूँ कि मून, क्योंकि बता रहे फूड हैं, लेकिन जब को। काम हाँ जब करना है ना, तो उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी देखना पड़ेगा। खाने के लिए रेस्टोरेंट आसान है, लेकिन चलाना प्रैक्टिकली मुश्किल है, बहुत क्योंकि शहर मुश्किल है। में यदि और 10 रेस्टोरेंट खोलते हैं तो 5 बंद वैसे हो भी जाते हैं। सर, मेरा 5 नंबर इतना है कि मेरे को लगता है कि मेरे को ज्यादा मेहनत करने वाले काम से मतलब इतना लाभ नहीं होगा जितना आप मेरे किसी एक को। या दो चीज बना सकती हैं, बना के, जैसे जैसे मान लो कोई ये होता है मेरे शहर में, जैसे एक लड़की है, वो दोनों दो तीन भाई बहन है, और कहीं से सीखा होगा जो भी चीजें होगा, केक बनाते हैं वो, और घर से ही वो काम करते हैं। मैंने अपने लिए नहीं बताया, मेरे को तो मतलब ऐसा कुछ करना है, क्योंकि मैं फिफ्थ उसको। हाउस का ही, मैं आपको जो अच्छा जो मून और का काम है, जो फूड आइटम्स का, उस चीज पे बता रहा हूँ कि एक चीज पे उसने मास्टरी कर ली, अब वो मतलब शायद ही कोई दिन है कि उनके पास ऑर्डर नहीं होता हो। लोग अब दुकान से नहीं लेके उनसे खरीदते हैं। होम बेकर्स होते हैं जो। अब एक चीज पे उसने कर ली, ज्यादा कोई तामझाम नहीं रखा, कोई दुकान भी नहीं रखा, घर से ही कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकली तौर पे मतलब यही, जैसे हम फूड आइटम्स को आते हैं, तो फूड आइटम्स कोई लिमिटेड नहीं है कि आप एक या दो कर लेंगे, ऐसा हो जाए, सैकड़ों प्रकार है, वेराइटीज है इसमें, ये भी देखना है। जो बात ये आती है कि फिफ्थ हाउस की यदि इन्वॉल्वमेंट है, जो कि क्रिएटिविटी का है लेकिन आराम का है, ऐसे लोग ज्यादा एक मतलब फास्ट पेस से लंबे समय तक काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए वही क्रिएटिविटी, यानी कोई उनका एक यूनिक मास्टरपीस हो जाए, बन जाए कि ये चीज ये बनाते हैं, यही उनका रहेगा, उसी पे फोकस कर लो, वो चल जाएगा, बजाय कि 8-10 चीजों को करने का, वो होना मुश्किल है। मून नर्चरिंग एंड केयरिंग का है, फिफ्थ हाउस है, तो आपका जो किड्स का प्ले स्कूल होता है, नर्सरी स्कूल होता है, वो भी है, बच्चों को सीखने सिखाने वाला काम, तो वो भी उसमें आ जाएगा। बच्चों से तो मैं दूर ही रहना चाहती हूँ। अब चाहती हैं वो अलग मैटर है, जो होना है वो अलग मैटर है, सबकी चाहते पूरी हो जाए जीवन भी आवश्यक नहीं है। तो ये भी चीज है, अलग अलग बहुत सारे काम है, बस नहीं, काम मैं की इसमें तरीके सिर्फ अलग ये सोच रही थी कि कुछ इसमें कुछ एस्ट्रोलॉजी का कुछ है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मून का कुछ है। मून एस्ट्रोलॉजी से से। एस्ट्रोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है, मून से एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो लोग अपना दुख लेके आएंगे, और उससे ज्यादा आप दुखी होकर डिप्रेस हो जाएंगे, तो मून से ज्योतिष को कोई मतलब नहीं है हाँ जी, ना सर, सामने वाले की मन में क्या चल रहा है वो समझ जैसे काउंसलिंग लेना। होती पकड़ के है। क्या करेंगे, लोग अपना लेके आए तो वो नहीं पकड़े, या सुहानी साहब बन के थोड़ी ये दिखाना है कि चलो ये सोच रहे ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, या उससे एडवांस वर्जन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बन के लगे करने, वो तो है नहीं। मून से आप जोड़ेंगे, आप इसमें और कमजोर दिल दिमाग के आदमी रहेंगे तो लोगों की यहाँ इतनी समस्याएं होती हैं सब जी, कि पता चलेगा कंसल्टेशन देने के बाद आप खुद ही मानसिक तौर पर बीमार हो गए, अब क्या होगा। लोग अपना आपसे सलाह लेने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ सही आप गाइडेंस देंगे, हो सकता है कुछ मोटिवेशन देंगे, पता चले आपको ही मोटिवेशन की जरूरत पड़ गई, तो क्या होगा। तो वो चीज़ मेरा अपना ऑब्जर्वेशन यही है कि ये लोग वो काम नहीं कर सकते, आप सोचिए कि आप ही को मोटिवेशन की जरूरत पड़ जाए। नहीं सर, एग्री है पूरा वो। होता है कोई कोई लोग मान लो ऐसे आए जो गए पिछले 10 साल से ही हम परेशान हैं, अब
पता चले उस 10 साल का आप कल्पना कर लीजिए तो आप ही चले गए डिप्रेशन में, कैसे इसने झेला होगा। नहीं, चीजें हो सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस मून के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करेंगे। कई लोगों के बहुत से अलग अलग प्रश्न होते हैं, प्रेजेंस लेवल स्ट्रांग होना चाहिए आपका, कंसल्टेशन दे रहे हैं तो नहीं हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए। 1 घंटे 1.5 घंटे किसी भी एक आदमी से उसी के टॉपिक पे बात करना तभी तो होगा ना। 1 घंटे 1.5 घंटे नॉर्मली जो मेरा कंसल्टेशन चलता है, अब 1.5 घंटे एक ही जैसा उसको सेटिस्फाई करना, ये सब चीज़ मुझे नहीं लगता कि मून से हो पाएगा संभवतः। मे बी मैं सही हूँ या गलत हूँ ये तो बाद की बात है, लेकिन मून के लिए मैं नहीं सर, रिलेट नहीं कर मैं पाऊँ। रिलेट कर पा रहा हूँ कि मेरा लग्न में मून प्लैनेट है, तो मैं तो ऐसा हूँ कि अगर पिक्चर में रोने के सीन आ रही है तो मुझे रोना आता है, तो मेरे अगर तो मैं सैड मूवी देखता ही नहीं हूँ, तो भी मुझे फिर लगन में मून है, वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऐसे इमोशनल बना देता है थोड़ा सा, तो मेरे को भी लगता है थोड़ा अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से लगन में मून होना, सर बताएंगे अच्छा या खराब, फिर वही बात, मैं किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के प्रिडिक्शन में करता ही नहीं होता, मैं तेज नहीं हूँ। मैं किसी भी चीज के लिए पूरा फुल अध्ययन करना है तो देखेंगे। एक भाव से लग्न में मून हो जाना, खराब हो जाए या अच्छा हो जाए, कैसे कर खराब तो नहीं पर ज्यादा थोड़ा सा कई बार वो मैम एट्रीब्यूट है ना, क्योंकि लग्न में तो 3 प्लैनेट है, तीनों के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, तो अपना तो एक ही वाली मून की बात बात है। बता है। आपका 7 नंबर लग्न है, 7 नंबर राशि का मून है, उनका 10 नंबर का है, किसी का मेष लग्न का होगा, मतलब 1 नंबर का होगा, किसी का दो मेरे साथ में होगा। जुपिटर भी है। एनीवे सर, नीचे जो सैटर्न है वो क्या मतलब, उसको कैसे आप देखेंगे, मतलब उससे क्या समझ सकते हैं मेरे थर्ड लेवल पे, सब लेवल पे जैसे। सैटर्न काम है, काम के माध्यम से कर्म का कारक है, तो कर्म के माध्यम से आपको पैसा बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। प्लानिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग रोज करोड़ों होते होंगे लोगों के, या अरबों में होते होंगे, 145 करोड़ तो भारत की जनसंख्या हो गई, लेकिन एग्जीक्यूट कितना होता है ये इम्पोर्टेंट है। तो शनि एग्जीक्यूशन का कारक है, जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो काम आपके लिए बेनिफिशियल होगा शनि की इन्वॉल्वमेंट से। सर शनि का एक और एट्रीब्यूट है ना, मेहनत ज्यादा करवाते हैं ना, मेहनत ज्यादा ही पर करना मेहनत पड़ता है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना काम है, का, मेहनत तो करना ही प्लानिंग पड़ेगा। क्योंकि भी आपकी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो वो आपको उसमें देना पड़ेगा। तो ये धन की स्थिति आपने सेकंड कस्पल सबलॉर्ड के अध्ययन से समझ लिया, साथ ही यदि किसी के सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट है तो वहां से भी आपको एक इंडिकेशन मिल जाती है। ये कोई जरूरी नहीं, मतलब सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अल्टीमेट है, इसका आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा। अब एक चीज इसमें और है कि जैसे मान लीजिए बाय डिफॉल्ट किसी के सेकंड कस्पल सबलॉर्ड में धन का कारक शुक्र हो जाता है, तो कारक शुक्र यदि आता है तो वो एक अच्छा फेवरेबल सिचुएशन होता है, लेकिन हमेशा होगा या आवश्यक नहीं है, उसमें भाव भी होने चाहिए। अब सेकंड कस्पल सब लॉर्ड वीनस हो और वो 5, 8, 9, 12 का रिजल्ट दे रहा हो तो वो धन नहीं देगा, धन का नुकसान कराएगा। तो कारक के साथ में धन वाले भाव हों तो वो आपको एक अच्छा बेनिफिशियल रिजल्ट दे सकता है, तब वहां पे आपको एक चलो अच्छा हो गया। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी मदर भी उसमें टीचर है, तो चलो उसके लिए एक हो गया, स्कूल में भी घर जैसा माहौल हो गया कि अपने मम्मी पापा से पढ़ रहा है। लेकिन अब पता चले कि घर में भी उसकी मम्मी एकदम बॉक्सर है, कोई भी गलती पे मारती है बम बम, तो स्कूल में आने के बाद क्या होगा, फिर उसको प्रॉब्लम ही रहेगा। तो डिपेंड ये नहीं करता कि मम्मी है तो वो अच्छा ही होगा, होने के बाद भी खराब होगा, हो सकता है। मेरे साथ 1 क्लास में एक 10 लड़का था, पढ़ता था, उसकी फुआ उसी में टीचर थी, उस बोलता था घर से जाते थे स्कूल में मारती है मुझे, इतना प्रॉब्लम था। हम लोग पहले ये सोचते थे इसकी फुआ है, इसको तो मजा आ गया, इसको क्या होमवर्क बनाए या नहीं बनाए, इसको तो छोड़ ही देंगे। लेकिन पता क्या, छोड़ क्या देंगे, घर पे नहीं पिटाता था, यहाँ पिटाता था। तो सोचिए, तो सिर्फ कारक इस बेस पे कि उसके घर के मम्मी या पापा या उसके भाई या बहन कोई ऐसा है तो अच्छा हो जाएगा, तो आवश्यक नहीं है, डिपेंड ये करता है उनका कार्य। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में हाउसेस जो है वही कार्य है, वही अल्टीमेट रिजल्ट को बताते हैं, सिंपल। जुपिटर भी सर अच्छा रहता है अगर उसका सिग्निफिकेंस हो। सिग्निफिकेंस किसी भी कोई भी हो, धन वाले भाव है तो अच्छा है, तो इसको हाँ नहीं, नॉर्मली जैसे तीन कारक जुपिटर माने और जाते वीनस हैं। कहते हैं ना कि अच्छा रहता है, मतलब हाँ, कारक
कारक हैं, तो कारक के साथ में यदि अच्छे हाउसेज आ गए तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल गया। और ज्यादा मिल गया। लेकिन यदि निगेटिव हाउसेज हैं तो कारक कुछ नहीं कर सकता, कारक भी नुकसान कराएगा निगेटिव होगा तो। बोलिए मोहन जी। मतलब अभी आप एक वर्ड यूज किए थे बॉक्सर, क्या ये करते बॉक्स हैं? बॉक्सर बोले हाँ बॉक्सिंग, ये किस हाउस से देखेंगे सर? किसी का प्रोफेशन बॉक्सर हो तो किस हाउस से देखेंगे? प्रोफेशन बॉक्सर 6 या 10th हाउस में, उसमें मार्स और पांचवें भाव की इन्वॉल्वमेंट होगी, प्रोफेशन वाले टॉपिक में मिलेगा। 10th जो प्रोफेशन गया उसमें 3 भाव, 5वां भाव, 10वां भाव, मंगल, फायर की राशि 1, 5, 9, 1, 5, 9, 10, 11 भी हो जाएगा। तो इन राशियों का रोल जब मिलेगा तो वो आदमी की पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो इसमें जा सकता है। समझ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन है तो उसमें कुछ सहायक हाउसेस का रोल होगा, कुछ प्लेनेट का रोल होगा, कुछ राशियों का रोल होगा। तो 10th हाउस प्रोफेशन का है तो उसमें वो डिटेल अध्ययन किया जाएगा। ये 2nd हाउस वाला धन गता, यहाँ तक क्लियर है? हम्म।